राम के इस रूप को निहारा, हर राम भक्त रामलला के सूर्य तिलक पर मंत्रमुग्ध हो गया। ये तस्वीर भी आप देखिए, अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर मानो ऐसा लगा कि भगवान राम साक्षात दर्शन दे रहे हो। 500 साल बाद अयोध्या में ऐसी शुभ घड़ी आई है जब भगवान राम ने अपने ही घर में राम नवमी मनाई है। ये खूबसूरत तस्वीर लगभग 4 मिनट तक इसी तरीके से सूर्य तिलक हुआ, भगवान श्री राम के मस्तक पर वो जो मणि थी वो सुशोभित होती हुई नजर आई जब सूर्य की किरणों ने उसे छुआ। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत देश में रामनवमी की धूम है, तो वहीं हम आपको बता दें अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य देव ने किया भगवान राम का सूर्य तिलक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के नौबस्ता स्थित भारत एकेडमी स्कूल से, जहां पर रामनवमी बड़े ही अनोखे और अद्भुत अंदाज से मनाई है रजत सक्सेना और उनके परिवार ने। वहीं आपको हम बताते चलें कि इस अद्भुत कार्यक्रम में रामलला पहुंचे भारत एकेडमी के प्रांगण में और आध्यात्मिक चिंतक डॉक्टर विवेक तांगड़ी लेटे हुए हनुमान जी के मुख्य सेवादार ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि अशोक मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर राम भक्त उमड़े और जय श्री राम के लगे नारे से कन्याओं का पूजन किया गया, उसके बाद उन्हें भोज कराया गया। वहीं आपको हम आगे बता दें कि इस कार्यक्रम में राजधानी की कई खास शख्सियतों ने की है शिरकत। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय भारत एकेडमी अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 11,000 नाम जप रामनवमी के शुभ अवसर पर एवं 101 कन्या भोज यानी कि पूजन कन्या का भोज किया जाएगा, जहां पर आप इस समय देख रहे हैं भारत एकेडमी के रजत सक्सेना एवं उनकी वाइफ पूजा सक्सेना द्वारा बच्चों के अभी पैर का धुल के उनको पैर धुले जा रहे हैं और इनकी सेवा हो रही है, जहां पर सबसे पहले कन्याओं के चरण को धुला जाता है, चरण को साफ करके धुल कर फिर उनको जहां पर भोज कराया जाता है वहां पर उनको बैठाया जाएगा, फिर उनका टीका होगा, पूजन होगा, फिर उनको भोज किया जाएगा। जहां आप स्क्रीन पर समय देख रहे हैं भारत एकेडमी के रजत सक्सेना एवं पूजा सक्सेना मौजूद हैं, जहां बच्चियों का पैरों को साफ किया जा रहा है, उनका भोज होगा। और इस समय आप इसके लिए 101 कन्याएं हैं, जहाँ पर बच्चों का आना भी शुरू हो चुका, बच्चे आ भी रहे, मौजूद भी हैं और ये सब बच्चे यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर अभी 101 कन्याओं का भोज कराया जाएगा। अभी हमने जैसे आपको बताया कि भारत एकेडमी अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 1,011 राम नाम जाप और 101 कन्या भोज कराया जा रहा है भारत एकेडमी के प्रांगण में। इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रुचि सक्सेना द्वारा बच्चियों को पूजा, बच्चों के सत्कार तो हो गया, अब उनको भोग दिया जा रहा है जिसमें उनके लिए उनकी पसंद का खाना है और ये सब उनका भोग लग रहा है। आप देख सकते हो बच्चियां जो हैं वो 101 कन्याओं का भोज है आज भारत एकेडमी के प्रांगण में, उनका पूजन हो रहा है
और इसके साथ ही आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि उन सबको पूरी सब्जी और सभी चीज़ें दिया जा रहा है। और आप ये देख सकते हो ये भारत एकेडमी का प्रांगण है जहाँ पर इन सभी को एक साथ सब कुछ दिया जा रहा है। और टीचर्स के साथ आसपास के लोग, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं जो इस समय भोज लग रहा है। आप देख सकते हो बड़ी खुशी के साथ लोग हैं। सबसे बात बड़ी होती माता रानी खुशी इसी में ही है कि हाँ उनकी कन्या रूप के को पूजा किया जाता है नवरात्रि में। इस कन्या पूजन को सबसे बड़ा अर्थ ये है कि माता रानी इन कन्याओं के रूप में आपके घर में आती है, इनकी सेवा सत्कार हम करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, फिर इनको खिलाने के बाद ही हम खाते हैं। इस समय आपको बता दूं चाहे पूजा सक्सेना हो या रुचि सक्सेना हो, इनका व्रत चल रहा है। अब इनको खिलाने के बाद ही वो लोग खाएंगे खुद भी। और इस समय स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो ये लोग खुद सर्व कर रहे हैं, सबको खिला रहे, पूजन पाठ कर रहे हैं। और ये 111 नाम जाप जो राम जी का है वो हो रहा है, साथ में कन्या पूजन, कन्याओं का भोग लग रहा, छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ इस समय है। और रुचि मैम कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा प्रांगण भरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये रुचि मैम ने बताया से उनको बहुत अच्छा ऐसा फील हो रहा है। और इस समय आप देखते हो पूरा स्क्रीन पे, इस समय आप पीछे आप देखिएगा कि मैं यहाँ से निकलूँगी, मैं चाहती हूँ उन बच्चियों को खाने दें। और सबसे प्यारी छोटी छोटी बच्ची आई हुई है और बड़ी बाल माता रानी का जो छोटा होता रूप होता है जो वो बहुत प्यारा होता है और मुँह दिल को मोह लेने वाला है। एक छोटी बच्ची है, बेटा क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। यहाँ क्यों आए हो? हम लोग कन्या खाने। कन्या खाने हैं? आप छोटे छोटे कन्या हो ना? तो ये कन्या रूप में छोटी छोटी कन्या माता रानी हो आप? आप क्या हो? माता रानी। माता रानी हो तो आज माता रानी कहाँ आई है? माता रानी स्कूल में। स्कूल में आई है माता रानी। और जैसे आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं कि भारत एकेडमी अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से जो 101 बच्चियों का जो भोग चल रहा, कन्याओं का भोग चल रहा, जहाँ पर रजत सक्सेना और रुचि सक्सेना और आप पूजा सक्सेना के द्वारा और भारत सक्सेना के द्वारा यहाँ बच्चियों को भोज कराया जा रहा है, जो अपने हाथों से आज सभी का भोज करा रहे हैं। और रजत जी इसमें मौजूद है, जहाँ पर पूजा जी भी सभी के साथ मिलकर वो चीज़ करा रही हैं। और इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो सभी टीचर्स और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इस भोज में, इस कन्या भोज में सभी लोग लगे हुए हैं। बच्चियों को कुछ कम ना पड़े, उनकी सब कुछ पसंद का बनाया गया है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। पेट भर के खाएं और दिल से आशीर्वाद दें, खुश होकर जाएं, बस यही सबकी तमन्ना है, सबका यही मानना है कि सब लोग खुश होकर जाएं। इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो भारत एकेडमी और अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से ये जो रामनवमी के शुभ अवसर पे, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उस शुभ अवसर पे बहुत सारे कार्यक्रम है, चाहे भगवान का आगमन हो, 101 कन्याओं का भोग है, 111 राम नाम जप का जो हुआ वो सब आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बहुत छोटे छोटे बच्चियाँ आई हुई हैं और ये सब दिल को खुश करने वाला है। और माता रानी के 9 दिन बहुत विशेष रहते हैं, ये 9 दिनों का जो पूजन अर्चना जो करते हैं हम, 9 दिन भूखे रहते हैं भगवान के उसमें, और उसके बाद हम कन्याओं को भोग लगाने के बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं। ये सब आप स्क्रीन पे देख रहे हो भारत एकेडमी अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से। और इस समय रजत जी जो अभी आपने तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी इधर आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि रजत जी बस 2 मिनट हमें आपका चाहिए, आप इस समय बस रहें। रजत जी सुबह से आपको सबसे पहले रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका प्रांगण वैसे बच्चों से भरा रहता है लेकिन आज कुछ खास है? आज विशेष रामनवमी का उत्सव है और आज का ऊपर वाले ने कुछ ऐसा संकल्प कराया कि आज सुबह 6 बजे से पहले 11,000 रामनाम जप किया गया, उसके बाद फिर 101 कन्याओं का चरण पूजन और उनका भोज कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कुछ ही 1 या 1.5 घंटे के अंदर हमारे रामलला की शोभा यात्रा आने वाली है, तो उनका भी यहाँ पर आधे घंटे का विश्राम अवस्था में रहेंगे और उनका चरण पूजन और उनका भोग कर पाएंगे। माता रानी की मूर्ति भी है? माता रानी की मूर्ति है और इतनी सारी उनके अवतार यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि आज का विशेष दिन होता है। पहली बार सर कि आप हमेशा नहीं, ये आज पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, ये पहली बार।
आशीर्वाद है। हाँ अभी तक नहीं हुआ में एक से एक कन्याएं हैं सब जी 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 जी। तो मैं आपको यहीं पर छोड़ो आपसे कहूँ बहुत सारे काम है आप करिए, लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हो सब कुछ है यहाँ पर। चाय प्रसाद में आप देख सकते हो भलुआ पूड़ी सब्जी और अच्छा फल फ्रूट, और आपको वो सब दिया जा रहा बच्चियों को जो उनके सेहत के लिए भी अच्छा हो और उनके लिए भी अच्छा है। ये पूरा आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो भारत अकेडमी और अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से 101 कन्या पूजन का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये भारत अकेडमी के प्रांगण में ये मौजूद हैं इस समय हम। और यहाँ पर स्क्रीन पे सभी जो लोग कर रही है फैमिली और टीचर्स हैं, और ये बच्चे जो हैं वो बाहर से भी हैं स्कूल के भी हैं, 101 बच्चे इस समय मौजूद हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो बच्चों की विदाई हो रही है इस समय। सरवन सक्सेना जी हमारे साथ हैं मैम। 101 बच्चियों का पूजन भोग हो चुका, बच्चों की विदाई हो रही है। बड़ा पर्व रहा आपके यहाँ पर अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से और भारत अकेडमी के प्रांगण में हुआ, कैसा लग रहा है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतने बच्चे सब आए हुए हैं और अभी बारात आने वाली है। तैयार हैं आप स्वागत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी के साथ और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा, एक अपने आप में बहुत बढ़िया महसूस है, अच्छा लग रहा है। तो आज आप लोगों ने स्वागत किया है और अपने प्रांगण में 101 बच्चियों का भोग जो हुआ है बहुत आम चीज़ नहीं, बड़ी बात है। तो इसकी तैयारियाँ कब से चल रही है? मेंटली तो 15 दिन पहले से स्टार्टिंग हो ही जाती है किसी भी चीज़ को करने से पहले, लेकिन हाँ ये है कि मेन तैयारी तो अचानक ही 2 दिन पहले ही होती है, लेकिन हाँ इंतजाम सारे पहले से होने लग जाते हैं, कैटरर्स की बुकिंग जो भी सिस्टम है पूरा सब शुरू होने लग जाता है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। और इस समय सबकी विदाई आप हो रही है बच्चियों की, बच्चियां बड़े ही खुशी के साथ उनको उपहार दिए जा रहे हैं पूजा मैम के साथ और रुचि जी के द्वारा। ये छोटी छोटी बच्चियां आई हैं यानी कन्या के रूप हमारे स्वयं भगवान आए ऐसा लग रहा है, और उनके बच्चियों का पूजन हो रहा है। आप ये सोचो कि ये बात सच है कि भाग्य से बेटे और सौभाग्य से बेटियां आती हैं, और अब स्क्रीन पे देख रहे हो छोटी सी माता रानी का रूप है हमारे साथ में। क्या नाम है बेटा आपका? पंकड़ी। पंकड़ी सबसे छोटी, यानी कि आप सोचो स्क्रीन पे सबसे छोटी आज जो 101 कन्याओं में सबसे छोटी जी है वो जी। कुछ खाया उसने जी? खाया खाया ना ये, जब ये देखेगी बड़े होकर देखेगी आएगी। सबसे छोटी कन्या के रूप में माता रानी आई जिन्होंने केला उठा लिया है खाने के लिए। तो जिस तरह हमने आपको बताया बच्चियों का स्वागत हुआ, भोग हुआ, पूजा हुई, अब बच्चियों की विदाई है। तो विदाई में बच्चियों को मिल रहा है पैसा। बेटा क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया शर्मा जी, मतलब तो आज उसको क्या मिला? क्या नाम है बेटा आपका? पीहू। क्या मिला आज आपको? आप कहाँ हो? स्कूल में। अच्छा, तो आज आप क्या हो? कन्या हो आज माता रानी का। तो ये बच्चे हैं आप देख रहे हो स्क्रीन पे, भारत अकेडमी और अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से जो 101 कन्याओं का भोग हुआ है अब उनकी विदाई हो रही है, जहाँ पर पूजा सक्सेना और रुचि सक्सेना के द्वारा बच्चियों की विदाई की जा रही है, जहाँ उनको माता रानी की चुन्नी और उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है माता रानी की कृपा से कि अब उनका जो ये पूजन था वो सफल रहा है। ये विदाई है बच्चियों की, जहाँ बच्चियों को चुन्नी दी जा रही है, चूड़ियाँ दी जा रही हैं और अब उनकी विदाई है दक्षिणा के साथ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फाउंडेशन है ये अशोक मेमोरियल फाउंडेशन, और ये प्रांगण है भारत अकेडमी। इसी कन्या यानी कि माता रानी का रूह हमारे साथ है जिन्होंने आज सबको आशीर्वाद दिया। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। क्या नाम है? पीहू। पीहू पीहू, आशीर्वाद दो। और बताओ नाम। पीहू और क्या? श्रीवास्तव। पीहू श्रीवास्तव। आज ये क्या है? ये पीछा पीछा बोला ठीक से उसने नाम नहीं। We'll be right back.
कश्मीर में जिस तरह हम भारत अकेडमी में यहाँ पर हमने आपको बताया किस तरह से क्या कार्यक्रम चला, इस पर भगवान श्री राम का अब इंतज़ार हो रहा है और कुछ ही दूर पर है अभी भगवान श्री राम का आगमन होगा और इंतज़ार में भारत अकेडमी परिवार इंतज़ार में है। अशोक मेमोरियल फाउंडेशन भी इस तरह से इंतज़ार में है, फूलों की वर्षा हो रही है भगवान के आगमन पर और सभी पलके बिछा कर इस समय इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान का आगमन कब होगा और फूलों की वर्षा के साथ कारपेट तो बिछ चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हो भक्तों की लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए और जहाँ सिक्योरिटी भी भगवान को दी जा रही है और यूपी पुलिस हमेशा 24 घंटे तैनात है सुरक्षा में चाहे हमारी हो भगवान की हो। तो इस समय सभी लोग इंतज़ार में हैं। इस समय यहाँ पर लेटे हुए प्रमुख सेवादार विवेक तांगड़ी जी भी उनका आगमन हो चुका है और इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस तरह से पीछे गजानन है और हमें यहाँ से गजानन दिख रहे हैं और गजानन पीछे हैं तो गजानन के साथ ही बहुत सारे हाथी घोड़े का आगमन है। भगवान श्री राम आ रहे हैं तो ऐसे तो नहीं आएंगे भगवान श्री राम, उनके लिए उसी वही श्रद्धा वही भक्ति वही जोश चाहिए क्योंकि भगवान का आगमन ऐसे नहीं होता। ये बारात है, सब खाते पीते नहीं, भूखे नहीं आना, सब खाते पीते आ रहे हैं। भगवान श्री राम का आगमन है और ये सब भगवान श्री राम के भक्त इस समय आगे बढ़ रहे हैं, खाते पीते हुए आ रहे हैं और आप देख सकते हो आगमन शुरू हो चुका है और धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको हमारी स्क्रीन पे दूर से दिख रहे हैं गजानंद आए हुए हैं और हम आपको लेके चलेंगे भीड़ में और आपको दिखाएंगे किसी तरह भगवान श्री राम का किस तरह से आगमन हुआ है और कब से लोग पलके बिछाए हुए थे, इस पलके बिछा कर भगवान के इंतज़ार कर रहे थे। अब वो क्षण आ चुका है, वो दिव्य दर्शन होने वाले हैं हमें भगवान के और ये दिव्य दर्शन आज संभव है भारत अकेडमी और अशोक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हो किस तरह से सुबह से नाचते गाते सब लोग उसमें मौजूद हैं और ये सब लोग सिर्फ भगवान श्री राम के दर्शन मात्र के लिए रुके हुए हैं और भगवान श्री राम आए हुए हैं और किस तरह सब खाते पीते, यानी कि ये पूरा आप देखिए रूम है, ये भगवान श्री राम के भक्त हैं और राम नाम है और राममय है वातावरण और गजानन है और मुझे तो पर्सनली कहूँ मुझे बहुत खुशी है इनसे मिलकर, इनको देखकर और मैं कहूँ ये गजानन जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इनसे मिलकर और मैम भगवान हनुमान का आगमन हो रहा है और गजानन ना हो तो कैसे हो जाए। ये पूरा आप देख सकते हो श्री राम जन्म महोत्सव समिति अशरफाबाद लखनऊ आप सभी का स्वागत करते हैं। ये सब लोग इस समय श्री राम का आगमन के लिए वेट कर रहे हैं और आप ये खुशी देख सकते हो, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे उस क्षण का, वो क्षण आ चुका है और पानी पिएगा वो प्यासा है तो पानी भी पिला रहे हैं हमारी खुशी में। आप देख सकते हो खिलाने पिलाने का भी चल रहा है, मतलब भगवान का राम का आगमन है तो कोई भी ऐसा ना छूटे जिसे नाश्ता पानी ना मिले। आप ये देख सकते हो खाने पीने पूरी व्यवस्था है, जहाँ श्री राम का नाम है तो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत जो राज्य रहा है वो राम राज्य रहा है, राम राज्य में कभी कोई भूखा नहीं रहा कोई दुखी नहीं रहा। तो आप ये खुशी इन सब के साथ देख सकते हो, ये हमारे लिए है आपके लिए है। क्या नाम है आपका? सुनील। आज राम में है पूरा वातावरण क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया सुपर। और कभी किस होते हो आप? हर साल इकट्ठे होते हैं। बहुत खुशी है, यहाँ हर साल सहयोग होता है भरपूर, सब हर साल अयोध्या भी होके आए हैं, बहुत बढ़िया रहा, बेस्ट। तो ये किनके द्वारा? ये क्या नाम है? विनीत वर्मा। अमित। अंकित। बहुत बढ़िया लग रहा है, जय श्री राम।
मेरा नाम राजेश कुमार सक्सेना है। सुमन सक्सेना। करिश्मा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी है इस बात। जय श्री राम। राम, ये जय श्री राम का नारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, राम आए हैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं, ये अपनी खुशी से जी जी हम लोग अपनी खुशी से ये वो है कि राम की जन्म हुआ है और राम आ रहे हैं, तो राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो अपनी खुशी से हम वो सब करना चाहते हैं। तो ये आप सब देख सकते हो, सामने फूलों की वर्षा हो रही है और वर्षा के साथ राम का आगमन हो रहा है। आपको पता है डॉक्टर विवेक टांगड़ी मुख्य सेवादार लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के हमारे साथ है। सर, आपकी आंखें, आपकी नजरें वही देख रही है जहां हम सब देख रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा का वो क्षण जो था अब नजदीक है, कैसा लग रहा है? आनंद का पल है और इस बार की रामनवमी तो वैसे भी विशेष है, क्योंकि हमारे रामलला अपने अयोध्या के नव्य और भव्य मंदिर में आ चुके हैं, तो इस बार की रामनवमी का उत्साह भी अलग है, जो कि सैकड़ों वर्ष बाद आया है, तो निश्चित ही हम सबके लिए ये एक आनंद का पल है। सर, जब राम जन्म हुआ था, फूलों की वर्षा और सभी देवी देवताएं डांस कर नाच रहे थे, बहुत उत्साह हुए था, आज वही क्षण मुझे लग रहा है फील हो रहा है, गजानंद आए हुए हैं वो भी अपने मन में और पूरी जनता इस समय इंतजार कर रही है। देखिए, उस समय भी तुलसीदास जी ने लिखा था कि सभी देवी देवता यहाँ पे मनुष्य रूप में, पक्षियों के रूप में और अलग अलग योनियों में रूप धर के प्रभु के दर्शन करने आए थे। अयोध्या की नगरी में आनंद और उल्लास भर गया था। अयोध्या नगर के वासियों के साथ साथ पूरी नभ, पूरा जो आकाश है वो देवताओं से भरा हुआ था और पुष्प वर्षा हो रही थी, तो ये तो आनंद का विषय है, प्रभु का प्राकट्य हुआ है। और जैसे कहते हैं, अधर्म पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए, तो ये तो निश्चित ही बड़ा ही सुंदर क्षण है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी और हनुमान जी के भक्त विवेक जी, आज एक भक्त के प्रभु आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सी बातें होती हैं जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और निश्चित ही में हृदय में आनंद है, रोमांच है और साथ में साथ आंखें भी नम है, क्योंकि ये दृश्य देखने के लिए युगों से लोग तरस रहे थे। जो संघर्ष के बाद इतने हमारे रामलला आज अपने मंदिर में बैठे हैं, तो आज हम सब लोग भले ही वहाँ नहीं है उस समय अयोध्या में, परंतु इस समय संपूर्ण पृथ्वी का एक एक कण अयोध्या में हो गया है। तो जय श्री राम। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हो इस समय फूलों की वर्षा के साथ आगमन होने जा रहा है भगवान श्री राम का। गजानंद, आप स्क्रीन पे देख रहे हो किस तरह भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, और मैं यहाँ सबको पीछे करते हुए आगे जाऊंगी, और यहाँ आप देख गजानंद स्वयं आए हैं और हाथी घोड़ा और सभी आए हुए, भगवान श्री राम का आगमन है और वही हैप्पीनेस है, वही खुशी है। और मैं देख रही हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देखो खुशी, भगवान का आगमन है, कितनी खुशी है सब में, आप ये महसूस। प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभा।
है।